लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। किसने मारा आपको? मैं अपने वंश वालों के सोने के लालची सपने पूरे नहीं कर सका। ये खून मेरे प्रति उनका सम्मान है। मैं घोड़ा लेकर आता हूँ और आपको ले चलता हूँ। नहीं बेटा, मेरा अंत समय आ गया है। ये भी भगवान शंकर जी की कृपा है, आशीर्वाद है कि मरते समय तुम मुझे मिल गए। मैं शिव जी का सोने का मंदिर तुम्हारे हवाले करके जाना चाहता हूँ। सोने का मंदिर? हाँ, सैकड़ों साल पहले महाराज हर्षवर्धन ने उसे बनवाया था। तब से आज तक हर महाशिवरात्रि को वहाँ पूजा होती रही है। बेटा बेटा, इस बार तुम्हें वहाँ पूजा करनी होगी। कहाँ है वो मंदिर? यहाँ से 30 मील जाओगे तो चंडी घाटी आएगी। वहां से उत्तर की तरफ बढ़ते जाना, वहां तुम्हें शेषनाग की बहुत बड़ी चट्टान मिलेगी। महाशिवरात्रि की सुबह ये शंख तुम वहां बजाना, शिव शंकर तुम्हें मार्ग दिखा देंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा, तो दादाजी चल बसे, यानी अब सोने के मंदिर का रास्ता सिर्फ तुम जानते हो। कौन सा मंदिर? मैं कुछ नहीं जानता। बता दे मंदिर का रास्ता, नहीं तो तेरी भी अर्थी यहीं जला दूंगा। रुक जाओ साहब,
मैं इसे देख लेता हूँ। रेशमा, दादाजी मरते वक्त से मंदिर का रास्ता बता गए हैं और ये हमें मंदिर का रास्ता बता नहीं रहा। मंदिर का रास्ता मालूम है तो बता दे, मैं तुझे भी कुछ हिस्सा दिलवा दूंगी। मुझे किसी मंदिर का रास्ता नहीं मालूम। सच? बेचारे को सचमुच रास्ता नहीं मालूम, वरना अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालता? ए, इधर भी तो देखो, हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आए हैं। छोड़ दो इसे। चलो। में तो राज करना लिखा है, मजदूरी नहीं। ये देवताओं जैसा चेहरा, ये फौलादी जिस्म, ये चौड़ी छाती और तुम्हारी होशियारी का भी जवाब नहीं। मतलब साफ है, कल अगर उन लोगों के सामने सोने के मंदिर का पता बता देता तो कितने हिस्से करने पड़ते? अब तो सिर्फ तुम और मैं, आधा आधा। बड़ी अच्छी स्कीम लेकर आई हो। वैसे भी सोना खूबसूरत लड़की के जिस्म पर ही अच्छा लगता है। तू अपने हाथों सजा देना मुझे, जी भर के सजा देना। भगवान का वो सोना तेरे जैसी नागिन के जिस्म पर सजने के लिए नहीं है। चले यहां से, वरना सोना पाने की तेरी इस ख्वाहिश में यही कील मार दूंगा। कीला तो तूने अपनी किस्मत पर ठोक दिया है, मैं देखती हूँ तू अकेला कैसे ले जाता है वो सोना। तुम? हवाओं से पैगाम मिला कि तुम यहां हो और दिल की धड़कनें तेज हो गई। इस बंजारन के कदम कब चल पड़े मालूम नहीं, मंजिल सामने पाकर रुक गए, इसका एहसास अब हुआ। तुम्हारा एहसास तुमसे दगा कर रहा है और तुम्हारी आंखें तुमसे धोखा। ये बरसों पहले वाला वही सिपाही है जिसकी मोहब्बत को एक दिन तुमने ठुकरा दिया था। रास्ते बदल सकते हैं, साथी बदल सकते हैं, मगर मंजिल, मंजिल कभी नहीं बदलती। ये देखो, तुम्हारी बहादुरी का तोहफा मैंने अभी तक अपने दिल से लगा रखा है। शंकर, रेशमा, उफ रेशमा, कितनी बदल गई हो तुम। तुम भी तो बदल गए हो, एक वक्त का बहादुर सिपाही चंद सिक्कों के लिए दो कौड़ी के मुजरिम ढूंढता फिरता है। इसके पीछे एक मकसद है जो तुम नहीं समझोगी। मैं समझती हूँ, पैसा हर इंसान की जरूरत होता है और मैं तुम्हारी वो जरूरत पूरी करने आई हूँ। कैसे? पहाड़ियों में छिपा सैकड़ों साल पुराना एक सोने का मंदिर है जिसके राजदार को मैं जानती हूँ,
अगर तुम चाहो तो वो सोने का मंदिर हमारा हो सकता है। लालची औरत, तुम आज भी वही हो जो बरसों पहले थी। तुम्हारी आंखों में दुनिया की सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, दौलत दौलत दौलत। अगर दौलत से इतना प्यार था तो फिर तुम मेरे पास क्यों आई? चली जाओ यहां से, मैं कहता हूं निकल जाओ यहां से। एक बात सुन लो, एक अकलमंद आदमी इस दुनिया में से दो ही चीज की कदर करता है, औरत और दौलत। और आज तुमने दोनों को ठुकरा कर अपनी किस्मत के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम जहां थे वही हो और जहां हो बस वही रहोगे। बटुआ तुम्हारा है? हाँ। आज तक पुलिस वाला बन के मुझे धोखा देता रहा। बेनाम इन हाथों में बहुत जान है। ये हाथ इसलिए नहीं उठ रहे कि एक बार तूने मेरी जान बचाई थी। अगर मुझे तेरी असलियत का पता चल गया होता कमीने, तो मैंने तुझे उसी दिन मर जाने दिया होता। लेकिन लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। तो तुम जानना चाहते हो कि किसकी मौत किसके हाथों लिखी है? लॉकेट में ये फोटो कहां से आई? यही तो मैं भी जानना चाहता हूं, ये फोटो तुम्हारे बटुए में कहां से आया? ये मेरी बीवी की फोटो है। मगर उसे तो गुंडे उठाकर ले गए थे। गुंडे उठाकर नहीं ले गए थे, बल्कि राधा के चाचा ने उसे गुंडों के हाथों बेच दिया था और मैंने उसे गुंडों के हाथों से बचाया। उसके बाद राधा और मैंने शादी कर ली। और तुम्हारे लॉकर में ये फोटो कहां से आई? मैं उसका भाई हूं। भाई? तो तुम शंकर हो? हाँ। इसका मतलब है कि चाचा ने मुझसे झूठ बोला कि राधा को गुंडे उठाकर ले गए। सारा कसूर मेरा था जो मैंने राधा को चाचा की हिफाजत में छोड़ा। उनकी झूठी कहानी सुनकर मैंने फौज की नौकरी छोड़ दी और तब से गुंडों को पकड़ के मैं अपनी बहन को ढूंढ रहा हूं। खैर, मुझे मेरी बहन के पास ले चलो, मुझे देखकर बहुत खुश होगी वो। खामोश क्यों? चलते क्यों नहीं?
साले चलो पगले, दादा इस दुनिया में नहीं है। नो नो रोडो, ये सब कैसे हुआ? 16 सिंह ने उसका खून कर दिया है। उस हराम सादे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं शंकर, नहीं, उसकी मौत अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। इंस्पेक्टर साहब, आपको दूसरी बीवी तो मिल जाएगी, लेकिन मुझे दूसरी बहन नहीं मिलेगी। मुझे भैया कौन कहेगा? मैं कहूंगी। बचपन से ही भाई के प्यार को तरसती रही हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी एक भाई भी मिल जाएगा। भैया, मैं राधा को वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन जिंदगी भर आपको उसका प्यार देती रहूंगी।